अज दीदी पुष्पा हरिओम तो अस तेको कम है सो तमाम ही वा वा कम अस चाहिंदी तो थोड़ी झलकियों तेखार जय झूलेलाल ओम शांति असा आया आयो ब्रह्म कुमारीज में असा सा गड आन विकी ठक्कर वर्षा चेलारमानी ए अस प्यारी पुष्पा दीदी हलो तो उन कुछ महत्वपूर्ण गाल जय झूलेलाल ओम शांति थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टेक योर इंटरव्यू असा सा गड आन अज पुष्पा दीदी सो वुमेन जो है इंटरनेशनल डे अच्छा सभी जाना हाँ 8 मार्च से वुमेंस डे का तो मैं ये पूछना चाहती हूँ वुमेंस आर परफॉर्मिंग मैनी रोल्स मैनी मैनी रोल्स इन देयर लाइफ सो हाउ अ वुमेन कैन बी आइडेंटिफाई हर सेल्फ इन हर लाइफ आपने सवाल पूछ लिया कि नारी एक है उसके रूप अनेक हैं जी उसको रोल बहुत सारे निभाने पड़ते हैं बेटी का बहू का पत्नी का माँ का बहन का समाज के अंदर भी भिन्न भिन्न रूप मुझे ये सुनाते हुए प्राउड फील हो रहा है कि हमारा भारत देश नारी प्रधान देश है भारत की संस्कृति में नारी को एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है अगर हम भारत के प्राचीन सभ्यता को सामने लाते हैं और एक प्रवृत्ति को सामने लाते हैं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण पहले लक्ष्मी आती है पीछे नारायण आता है श्री सीता श्री राम श्री राधे श्री कृष्ण ये हमारा वो नारी प्रधान देश है जहाँ पर बहती हुई नदियों के नाम भी नारियों के ही हैं इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर नारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है माना अगर आत्मा को नारी का चोला मिला है नारी का ड्रेस मिला है परंतु आज के इस समय में नारी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी ने माइंड में कोने में ये बात डाल दी है मैं तो लेडीज हूँ तो वो जो सोच है ना उसकी एनर्जी को लीक कर रही है मैं जेंट्स हूँ तो वो जैसे अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं या नारी भी ये सोचती है तो पुरुष है तो अगर सचमुच ये दो शब्द भी थे ना मैं लेडीज ये जेंट्स तो एक बोलने में भी एक लोअर आ जाता है एक अपर आ जाता है वास्तव में नारी चाहे शारीरिक बल से देखो चाहे मानसिक बल से देखो चाहे सामाजिक बल से देखो पुरुष से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है बच्चे को जन्म देने का कार्य नारी करती है वो शारीरिक बल है जी बच्चे को इतना समय संभालना उसकी पालना करना उसके पीछे अपनी नींद अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करना तो आप बताइए नारी मैं बहनों से पूछती हूँ आप कहाँ पर जीवन के किस मोड़ में अपने आप को कमजोर समझते हैं नारी अबला नहीं है नारी तो सबला है नारी तो बहुत शक्ति स्वरूप है कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जब जाती है तो माँ दुर्गा की पूजा करके जाते हैं भले युद्ध में लड़ने वाले हमारे पुरुष योद्धे हैं परंतु शक्ति की देवी तो नारी है तो वास्तव में नारी को कहीं पर भी मैं तो कहूँगी आज के इस महिला दिवस पर हर नारी अपने अंदर एक दिया जला दे मैं शक्ति स्वरूपा हूँ हाँ उसको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने पड़ते हैं पुरुषों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं परंतु भगवान ने सोच पे तो रोल दिया उसको तो पता है ना इसमें बहुत शक्तियाँ हैं परंतु वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं हमने अपनी सोच में या तो लीक कर दिया या तो छिपा दिया है अगर मैं लेडीज हूँ मैं तो कमज़ोर हूँ मैं तो बहन हूँ मैं तो पत्नी हूँ अगर ये सोच मेरी एनर्जी को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देती है तो मैं कहती हूँ आज हर नारी ये सोचे
मैं तो माँ दुर्गा की बेटी हूँ, मैं तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप हूँ, और ये पुरुष समाज को जन्म देने वाली मैं हूँ। इन्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर के पदवी पर पहुंचाने वाली मेरी ही पालना है। तो जब हम अपने आप की शक्तियों को अपनी स्मृति में इमर्ज लेवल पर लाते हैं, उसको हाईलाइट में लाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि नाड़ी को जो भी रोल प्ले करने हैं वो परफेक्ट रोल प्ले कर सकती है। किया भी है भारत के इतिहास में, और आज वो कहीं पर इस सोच से थोड़ा सा अगर नीचे आ भी रही है तो आज फिर से वो अपनी सोच को ऊंचा उठा ले तो अवश्य ही नारी फिर से भारत के प्रधानता में आके इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने में अपनी अहम भूमिका दे सकती है। दीदी आपने देखा होगा बच्चे आपके पास आए थे, आपको परेशान भी किया होगा जरूर, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट इनके हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, आपके पास आए इंटरव्यू ले तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, आके तो वो बहुत खुश थे। दीदी टाइम फॉर द फेलिसिटेशन, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीदी आप आ जाइए। हमारे सुंदर भाई और मोना बहन का बहुत 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 दिल से थैंक्स। ये दूसरे का सम्मान करना ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये जो भी दिन मनाए जाते हैं ये संस्कृति को पुनः जन्म देने के लिए है। इस दिन पर हमारी नजरें उन्हें ढूंढती है जिन्होंने देश, समाज, परिवार के लिए कुछ करके शान बनाई हो। तो हर साल हमारा यूथ सर्कल ऐसी निगाहों से ढूंढते हुए ये भी एक प्रोत्साहन देना है और उनको प्रेरणा देनी है। और आज जो महिला दिवस है जिसमें विशेष भारत सरकार से मिलकर जो हमने थीम बनाई है, नारी नए भारत के ध्वजवाहक, नारी नए भारत के ध्वजवाहक। जैसे मर्सरी गाड़ी चलानी हो तो ऐसा ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए, भारत का ध्वज लेकर चलना। इसलिए भारत माता को हमेशा हाथ में जो ध्वज दिखाते हैं वो एक भारत माता नहीं, ये सिंबल है हम सब भारत की माताओं का। झंडा लेना माना कुछ करने का जुनून है, कुछ चुनौतियों को स्वीकार करना है और कुछ इस भारत को फिर से नया रूप देना है। सुनने के लिए हमारी मोना बहन पूरी टीम को लेकर जहाँ पे हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है वहाँ पर आ पाएं।
सभी को लेकर आई, आकर वहाँ भी कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाई, ताकि आपकी एक्टिविटीज तो हम जुड़े हुए हैं सुंदर भाई से, तो देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, बहुत उम्र उत्साह है आपके अंदर, और महिलाओं को, विशेष सिंधी महिलाओं को सामाजिक सेवाओं के साथ जोड़ने का चुनौती जो हमारी मोना बहन ने लिया है, ये सचमुच ही बहुत प्रशंसनीय है। थैंक यू दीदी, आप आए और दो शब्द बोल के सभी लोगों को अपना संदेश दिया आज भूमि दिन का। थैंक यू दीदी ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन। थैंक यू सो मच।